नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एम डेली इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले पीएम आवास योजना के बारे में। बहुत सारे लोगों का शहरी आवास योजना पैसा रोका गया, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनका ग्रामीण आवास योजना का भी पैसा रोका गया है। लेकिन दोस्तों डेली कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है आवास योजना को लेकर। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर थोड़े बहुत पैसे भेजे जाते हैं और बहुत ऐसे भी राज्य हैं दोस्तों जिनमें लंबे समय से आवास योजना का पैसा नहीं भेजा गया है। तो एक उम्मीद जताया जा रहा है कि 1 नवंबर से, जी हाँ दोस्तों उम्मीद जताया जा रहा है, क्या एक छोटी सी मिली अपडेट के अनुसार लगभग 1 नवंबर से बहुत बड़ा पैसा ट्रांसफर करने वाला है, यानी बहुत सारे लोगों को पैसा भेजने वाली है गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि दिवाली का त्यौहार था, दिवाली के उपलक्ष्य में जो कि 17 अक्टूबर को पैसे भेजने वाले थे लेकिन पैसा नहीं भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं भेजा गया, यानी जो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं दोस्तों, हमारे पूरे 28 राज्य हैं जिसमें लगभग मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 राज्यों में ही पैसा भेजा गया दिवाली के उपलक्ष्य में। लेकिन दोस्तों अब उम्मीद किया जा रहा है कि ये सभी राज्यों में जो अभी लंबे समय से पैसा रोका गया है उन सभी राज्यों में लगभग गवर्नमेंट 17 अक्टूबर से लेकर अभी तक जो पैसा भेजी है उसके अलावा 1 नवंबर की तक, 1 नवंबर तक दोस्तों बड़ा अमाउंट पैसा ट्रांसफर करेगी सभी के खाते में। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों के खाते में 1 नवंबर तक बड़ा पैसा ट्रांसफर करने वाली है, चाहे वो पहली किस्त हो, दूसरी किस्त हो या फिर तीसरी किस्त हो, कोई भी किस्त हो दोस्तों, लेकिन गवर्नमेंट 1 नवंबर तक पैसा ट्रांसफर ही करेगी। दोस्तों अगर आपका कोई भी पेमेंट बहुत लंबे समय से रोका गया है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी कमेंट कर सकते हैं कि आप में प्रॉब्लम क्या चल रहा है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके पैसे आने में आसानी हो जाएगी दोस्तों। और एक छोटी सी अपडेट और है दोस्तों, जिसमें 5-6 राज्य हैं दोस्तों जहाँ पर आवेदन शुरू होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जल्दी आवेदन शुरू होने वाले हैं। आपको पता है कि नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, चुनाव जैसे ही पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी वैसे ही नगर निकाय के चुनाव के बाद ही आवास योजना के नए अपडेट के साथ नया नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको जानकारी कैसी लगी वीडियो, अगर एक भी पसंद आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद भाइयों।